चीजों को ही बेसिक यूनिट्स कहते हैं। अब बात आती है यूनिट, ये 11th की फिजिक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करा देगा यूनिट क्या है। आप छोटा छोटा समझिए, जैसे एक लाइन आपने खींची कॉपी के पेज पर, एक लाइन आपने खींची, आपने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, जो आप 5 बोल रहे हैं ये मेजरमेंट है, ठीक है, लेकिन जो सेंटीमीटर आप बोल रहे हैं ये यूनिट है। अलग अलग जगह यूनिट्स बदलती रहती हैं। अभी हमें कुछ चीज लिक्विड में लेनी है, आपने बोला सर ये 2 लीटर है, 2 लीटर है 2, तो डिजिट्स में हो गया, पर जो लीटर है वो यूनिट। ऐसे ही आसपास की कोई किसी भी चीज पे आप नजर दौड़ाएं, ये छत, जमीन, दीवार किससे बनी हुई है, छोटी छोटी ईंटों से, ईंट ईंट मिलकर बना देती हैं दीवार, दीवार दीवार मिलकर बना देते हैं कमरे, कमरे कमरे मिलकर बना देते हैं पूरा घर। तो ईंट क्या है यहाँ पर, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्लियर हो गया। हमारी बॉडी भी इन्हीं बेसिक यूनिट से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें सेल कहते हैं।